Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 21 ऑफ आईपीसी. इस चैप्टर में दिए गए हैं डिफेमेशन से संबंधित प्रोविजन, यानी कि सेक्शन 499 से लेकर 502 तक की जो प्रोविजन है वो डिफेमेशन से संबंधित है. डिफेमेशन को हिंदी में कहते हैं मानहानि. इट इज सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस. ये सिविल रॉन्ग तो है ही, इसके साथ ही ये क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है आईपीसी के इन सेक्शन के तहत. लाइक जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं. हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में एक अलग स्टेटस होता है. लोगों को अपनी जो रेपुटेशन है उसको कमाने में एज कम्पेयर टू पैसा कमाने में, ठीक है, पैसा कमाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन रेपुटेशन कमाने में, रेपुटेशन को अर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एक रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की प्रॉपर्टी लेकर आ जाओ उन सबसे ऊपर होती है. रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है. चाहे किसी के पास कितना पैसा क्यों ना हो, अगर उसकी रेपुटेशन नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा भी नहीं है. इसलिए रेपुटेशन पैसे से ज्यादा मायने रखती है. तो इसलिए कल के दिन कोई आपकी रेपुटेशन को खराब ना करे, इसलिए सेक्शन 499 से लेकर 502 तक के प्रोविजन आईपीसी में डाले गए हैं. तो यहाँ पर सेक्शन 499 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन में काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और टोटल 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिस वजह से ये सेक्शन अपने आप में ही बहुत ही लेंथी है. इसके बाद सेक्शन 500 में डिफेमेशन का पनिशमेंट है. तो यहाँ पर इस सेक्शन में डिफेमेशन की डेफिनेशन दी गई है. कहा यह गया है कि जो कोई भी बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, या तो बोलकर या फिर उन शब्दों का पढ़ा जाना आशयित करते हुए, इंटेंडेड टू बी रेड, या फिर बाय साइंस, जेस्चर वगैरह करके, बोले तो इशारा वगैरह करके, या फिर बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कुछ प्रदर्शित करके क्या करता है, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के संबंध में इम्प्यूटेशन, बोले तो लांछन लगाता है या फिर पब्लिश करता है. पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना. इस इंटेंशन से कि भाई ऐसे इम्प्यूटेशन लगाने से क्या होगा, उसकी जो रेपुटेशन है वो हार्म हो. इस इंटेंशन से वो ऐसा किया, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, उस व्यक्ति की ख्याति जो है, जो रेपुटेशन है उसको हार्म करने के लिए वो ऐसा अगर किया है, इस इंटेंशन से अगर वो ऐसा किया है, या फिर ये जानते हुए, या फिर ये रीजन टू बिलीव रखते हुए वो इम्प्यूटेशन लगाया है कि भाई ऐसा इम्प्यूटेशन लगाने से या फिर प्रकाशित करने से क्या होगा, उस व्यक्ति की जिसके संबंध में वो इम्प्यूटेशन लगाया है या फिर प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म होगा, ये जानते हुए या फिर रीजन टू बिलीव रखते हुए अगर वो इम्प्यूटेशन लगाया है, तो तब ऐसा कहा जाएगा कि वो क्या किया है, उस व्यक्ति को डिफेम किया है. एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, उन केसेस को छोड़कर जो कि एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, यानी कि 10 एक्सेप्शन जो दिए गए हैं उनके अंदर अगर कोई केस फॉल होता है तो तब वो डिफेमेशन नहीं होगा. समझ में आया? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई अगर इम्प्यूटेशन किसी पर्सन के ऊपर लगाया गया हो या फिर प्रकाशित किया गया हो, तो उस चीज के पीछे इंटेंशन होना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए या फिर रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म होगा. तभी सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के तहत ये जो चीज है, इम्प्यूटेशन जो लगाया गया है या फिर प्रकाशित किया गया है, वो क्या होगा, वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा. तो यहाँ पर इम्प्यूटेशन लगाना या फिर इम्प्यूटेशन पब्लिश करना, इन दोनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है? कहने का मतलब यही है कि भाई अगर मान लो जो एक्स है, अगर वो वाई से कहता है कि भाई जो वाई है वो क्रिमिनल है, तो तब इस चीज को कहेंगे कि इम्प्यूटेशन लगाया गया है, यानी कि लांछन लगाया गया है. और अगर एक्स क्या करता है, जेड से जाके कहता है कि भाई जो वाई है वो क्रिमिनल है, वाई के बारे में जेड से कह रहा है कि भाई जो Y है वो क्रिमिनल है, तो यहाँ पर जो X है वो क्या कर रहा है, वो लांछन को प्रकाशित कर रहा है, इम्प्यूटेशन को पब्लिश कर रहा है. आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि भाई इम्प्यूटेशन लगाना और पब्लिश करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. बेसिकली जो डिफेमेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लाइबल, एक होता है स्लैंडर. तो ये दोनों ही मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं. जो लाइबल होता है वो एक तरह का अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है जो कि राइटिंग में किया गया होता है, और अगर हम बात करें स्लैंडर की तो ये एक अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है जो कि ओरली किया गया होता है, मतलब बोलकर किया गया होता है. लाइक जैसे कि
अगर हम बात करें लाइबल के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है कि भाई मान लो किसी पर्सन को डिफेम कर रहे हैं थ्रू आर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके जो कि परमानेंट नेचर की है, लाइक लिख कर या फिर प्रिंटिंग करके। और अगर हम बात करें स्लैंडर की, तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को डिफेम किया जा रहा है बाय वर्ड्स, बोल कर या फिर इशारों से, जेस्चर करके, तो तब ये स्लैंडर होगा। कहने का मतलब है जो रिटन डिफेमेशन होती है वो क्या होती है, लाइबल होती है, और जो रिटन नहीं होती है, जो बाय साइन या फिर बाय जेस्चर की जाती है या फिर बाय वर्ड्स की जाती है बोलकर, ठीक है, बाय वर्ड्स बोलकर अगर जो की जाती है डिफेमेशन, वो होती है स्लैंडर। तो यहाँ पर ये दो टाइप्स होते हैं किसके, डिफेमेशन के। अगर हम बात करें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसकी, तो भाई इन द आई ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में, हस्बैंड एंड वाइफ को मतलब एक ही पर्सन माना जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है डिफेमेटरी मैटर के बारे में, अगर हस्बैंड वाइफ से करता है कम्युनिकेशन डिफेमेटरी मैटर के बारे में, या फिर वाइफ हस्बैंड से करती है, तो इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि ये पब्लिकेशन हो गया है, ठीक है, ये पब्लिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा और सेक्शन 499 के परव्यू में भी नहीं आएगा। बिकॉज सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत क्या मिला हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की जो कम्युनिकेशन होती है उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उनको बोलते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशंस। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है उनको डिस्क्लोज करने की इजाज़त नहीं होती है। बट अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई जो केस है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही है, तो तब इजाज़त होती है। और इसके संबंध में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 120 है, जो कि मतलब इस नज़रिए को चेंज करता है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ एक ही पर्सन नहीं होते हैं। तो सेक्शन 120 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो आप एक बार गो थ्रू करना, या फिर आई बटन पर यहाँ पर मैं वीडियो डाल दूँगी इंडियन एविडेंस एक्ट की, जहाँ पर हमने ये सेक्शन डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक केस था टीजी पोनेन वर्सेस एमसी वर्गिस, ये 1968 का केस था। इस केस में हुआ क्या था कि जो कोर्ट थी उसने ये बात हेल्ड की कि भाई जो लेटर हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को भेजा गया उसमें कंटेंट था डिफेमेटरी मैटर कंसर्निंग द फादर इन लॉ, मतलब जो फादर इन लॉ थे उनके बारे में, मतलब जो वाइफ के जो फादर थे उनके बारे में कोई डिफेमेटरी बात थी उस लेटर में जो कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया था। तो इस चीज़ को पब्लिकेशन नहीं माना गया, मतलब इस चीज़ को पब्लिश किया जाना, इम्प्यूटेशन पब्लिश किया जाना नहीं माना गया, ये डिफेमेशन नहीं माना गया। बिकॉज ये जो चीज़ है ये कवर्ड है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तहत, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 में दिया गया है। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई डिफेमेटरी मैटर साझा होता है तो भाई उसको इम्प्यूटेशन को पब्लिश किया जाना नहीं कहेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रोविज़न हम डिफेमेशन की डिस्कस करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 21 ऑफ आईपीसी जो है, इसको आप कनेक्ट करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 199 से। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का, ये पूरा नहीं बताऊंगी, ऊपर ऊपर से बताऊंगी कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन डिफेमेशन के लिए प्रोसिक्यूशन बताता है, मतलब इस सेक्शन में सिंपली ये कहा गया है सब सेक्शन 1 में इस सेक्शन के, कि भाई कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी ऐसे ऑफेंस का जो कि चैप्टर नंबर 21 ऑफ आईपीसी, जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21 ऑफ आईपीसी में जो ऑफेंस पनिशेबल है उस ऑफेंस का कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, संज्ञान नहीं लेगी, जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी, जब तक कि जो उस ऑफेंस के अग्रीव्ड पर्सन है वो क्या ना कर दे, कंप्लेंट ना कर दे, तब तक कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी ये बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, सीआरपीसी का सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो तीनों सेक्शन है, सेक्शन 499, 500, ये दोनों आईपीसी के सेक्शन, और सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी, इन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस में। तो कई बार प्री में पूछा जाता है कि किस केस में इन सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, तो ये केस है वो। तो भाई इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है क्रिमिनल डिफेमेशन के ऑफेंस की, उसको अपहेल किया गया और ये रूल्ड आउट किया गया
कि सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी ये इम्पोज करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि राइट टू फ्रीडम मिलावा है बोलने का और एक्सप्रेशन का, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये राइट एब्सोल्यूट है, ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज हैं, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत आता है, ये जो प्रोविज़न है ना डिफेमेशन के आईपीसी में, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस माने जाते हैं जो कि इम्पोज किए गए हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये आप कमेंट करके बताइएगा। एक केस था राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी 2006 का। इस केस में डॉक्टर स्वामी को लायबल माना गया था कि उन्होंने डिफेम किया है मिस्टर जेठमलानी को बाय सेइंग दैट कि उन्होंने रिसीव किया है मनी फ्रॉम अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द सीएम ऑफ तमिलनाडु इन द केस ऑफ द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। इसके बाद नेक्स्ट केस है अरुण जेटली वर्सेज अरविंद केजरीवाल 2018 का। इस केस में हुआ क्या था, ये बात हेल्ड हुई थी कि भाई जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल और जो उनके 5 अदर लीडर्स हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था वो डिफेमेटरी था, बट ये मैटर बाद में डिस्क्लोज कर दिया गया बिकॉज जो डिफेंडेंट्स थे उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली थी उनके एक्शंस के लिए। तो ये जस्ट थोड़ा थोड़ा सा आप इनको देख लीजिएगा, इन दोनों केसेस को, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 499 में जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं चार उनकी, तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये क्लियर करता है कि भाई अगर किसी डिसीज पर्सन के ऊपर आप इम्प्यूटेशन लगाते हैं और वो इम्प्यूटेशन अगर वो डिसीज पर्सन जिंदा होता तब उसकी रेपुटेशन को अगर वो हार्म पहुँचाती और वो इस आशय से लगाई गई है इम्प्यूटेशन कि जो उसकी फैमिली है उनकी फीलिंग को हर्ट हो या फिर जो अदर नियर रिलेटिव है उनको हर्ट हो, उनके लिए हर्टफुल हो, इस आशय से इम्प्यूटेशन अगर लगाई गई है और किसी डिसीज पर्सन के बारे में है और वो अगर इम्प्यूटेशन डिसीज पर्सन के जिंदा होने पर उसकी रेपुटेशन को अगर वो हार्म कॉज करती तो तब उस इम्प्यूटेशन को जो लगाई गई है क्या कहा जाएगा कि भाई ये क्या है, ये डिफेमेशन है, ये डिफेमेशन मानी जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जो डिफेमेशन है वो एक लिविंग पर्सन की भी हो सकती है और एक डिसीज पर्सन की भी हो सकती है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि कंपनी या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन जो हैं या फिर जो एसोसिएशन जो हैं उनके संबंध में अगर कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है तो वो भी डिफेमेशन हो सकती है। like, जैसे कि जो थॉर है वो एक लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करता है जिसमें वो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन स्टेट करता है कि भाई जो थैनोस की जो कंपनी है वो 20 लाख रुपए का फ्रॉड कमिट की है और ये इंफॉर्मेशन झूठी है। तो अब ये स्टेटमेंट जो उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है इस स्टेटमेंट को काफ़ी सारे लोग पढ़ चुके होंगे, तो श्योरली ये क्या की है, ये थैनोस की कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब की है, उसको हार्म पहुंचाई है। तो जो थॉर है वो यहाँ पर क्या किया है, डिफेमेशन किया है, थैनोस की कंपनी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया है। तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी एक डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। या फिर एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम क्लास ऑफ पर्सन के अगेंस्ट डिफेमेशन की बात करें तो जैसे कि मान लो होता क्या है कि जो एक पर्सन है वो ये लिखता है झूठी बात कि भाई जो गंगाराम हॉस्पिटल है उसके सारे के सारे डॉक्टर क्या हैं, चोर हैं, तो भाई ये चीज़ भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगी। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो डिफेमेटरी बात की गई है कंपनी या फिर कॉरपोरेशन के संबंध में वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कंपनी के उस मैथड के ऊपर अटैक करती हो जिस मेथड में कंपनी या फिर कॉरपोरेशन क्या कराती हैं, अपने अफेयर कंडक्ट कराती हैं, या फिर वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कंपनी या फिर कॉरपोरेशन को एक्यूज़ कर रही है किस चीज़ के लिए, फ्रॉड के लिए या फिर मिसमैनेजमेंट के लिए, या फिर वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर अटैक करने वाली होनी चाहिए बिकॉज कंपनी का खुद का कोई पर्सनल ऑनर और डिग्निटी नहीं होता है, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको अटैक करने वाले होने चाहिए वो वर्ड्स, तभी वो वर्ड्स यहाँ पर क्या बनेंगे, डिफेमेशन बनेंगे जिनकी कंप्लेन की गई है।
थर्ड एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है अल्टरनेटिव के फॉर्म में या फिर आयरॉनिकली एक्सप्रेस किया जाता है कोई इम्प्यूटेशन, देन ये भी क्या होगा, डिफेमेशन होगा। मतलब भाई इसको हम कहते हैं डिफेमेशन बाय इन्यूएंडो, मतलब इस तरीके से हमने कोई बात बोली, कोई नेगेटिव बात बोली है इस तरीके से कि भाई वो पॉजिटिव अपीयर हो रही है बट बात हमारी जो है वो नेगेटिव है। कहने का मतलब है जैसे कि जो ए है उससे सी पूछता है कि भाई यहाँ पर मेरी घड़ी रखी थी वो किसने चुराई। अब यहाँ पर बी खड़ा हुआ है, देख रहा वो बी की तरफ है और बोल रहा वो सी से है कि भाई तुम जानते ही होंगे कि भाई ये काम कौन कर सकता है। तो मतलब इस तरीके से अपनी बात बोलना जो कि बिल्कुल पॉजिटिव लगे, तो ये चीज़ भी क्या है, ये डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल होती है। जैसे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन ए जो दिया गया है सेक्शन 499 में, ये एक्सप्लेनेशन 3 से संबंधित है। कहा यह गया है कि जो ए है वो ये कहता है कि भाई जो जेड है वो एक ईमानदार आदमी है, भाई वो कहाँ चुरा सकता है बी की घड़ी। तो यहाँ पर ये बोलने के पीछे ए का इंटेंशन ये था कि भाई ये बिलीव किया जाए कि जो जेड है वही चुराया है बी की घड़ी। तो भाई इस चीज़ को कहेंगे कि ये क्या है, डिफेमेशन है। वो भी तब जब तक कि ये चीज़ जो है, जो सेक्शन 499 में एक्सेप्शंस दिए गए हैं ना 10, उनमें फॉल नहीं होती है, तब तक ये चीज़ डिफेमेशन मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन 4 में ये कहा गया है, ये बताया गया है कि कब किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म होता है। ये एक्सप्लेन किया गया, ये बताया गया है कि कब कहा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हुआ है। ऐसा तब कहा जाएगा जब उस पर्सन के इंटेलेक्चुअल करैक्टर या फिर मोरल करैक्टर को क्या होती है, इंजरी होती है, या फिर उसका क्रेडिट जो है वो क्या होता है, लोअर होता है, मतलब निम्न होता है, नीचा दिखाया जाता है उसको, या फिर क्या होता है उस पर्सन का उसकी कास्ट के संबंध में जो करैक्टर है वो लोअर डाउन किया जाता है या फिर उसकी कॉलिंग को लोअर डाउन किया जाता है, देन इन दैट सिचुएशन ये कहा जाएगा कि उसकी रेपुटेशन को हार्म कॉज किया गया, उसकी रेपुटेशन हार्म हुई है। और साथ ही एक्सप्लेनेशन 4 का ये भी कहना है कि भाई जो इम्प्यूटेशन लगाया गया है वो तभी डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल होता है जब वह किसी पर्टिकुलर पर्सन को दूसरे पर्सन के सामने क्या करते हैं, नीचा दिखाता है, ठीक है, अदरवाइज वो डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है उसका एसेंस यही है, बाकी तो हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता ही दिया कि इसका मतलब क्या है। ये सेक्शन बहुत बड़ा है, जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके इस सेक्शन को उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करना। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शन 10 है। अब हम 1 by 1 सारे एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये दिया गया है कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रू है, जो कि बिल्कुल सच है और पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो कि बताया जाना जिसका पब्लिक गुड के लिए है, सही जिसका बताया जाना, तो अगर वो पब्लिश की जाती है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। इस एक्सेप्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होनी ज़रूरी हैं कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए है, और साथ ही वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई होनी चाहिए, तभी वो इस एक्सेप्शन के तहत फॉल होगी और डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर जो पहला एक्सेप्शन था और जो अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन नंबर 4, इन दोनों में ही ये रिक्वायर किया गया है कि जो इम्प्यूटेशन लगाया गया हो वो ट्रू होना चाहिए। तो बाकी जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 4 को छोड़कर, वहाँ पर ये रिक्वायर किया गया है कि जो इम्प्यूटेशन लगाया गया हो वो गुड फेथ में लगाया गया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। ट्रू होना ज़रूरी है एक्सेप्शन 1 में एंड एक्सेप्शन 4 में। अभी हम पहले फोर्थ एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहता है फोर्थ एक्सेप्शन, फोर्थ एक्सेप्शन सिंपली ये कहता है कि भाई ये चीज़ भी डिफेमेशन नहीं है टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ दी प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रोसीडिंग की अगर कोई रिपोर्ट है जो कि सब्सटेंशियली ट्रू है उसको पब्लिश करना भी डिफेमेशन नहीं है, और ना ही ऐसी प्रोसीडिंग का कोई रिजल्ट अगर जो है उसको पब्लिश करना भी डिफेमेशन नहीं है अगर वो ट्रू है, वो रिपोर्ट क्या है सब्सटेंशली ट्रू है, तो तब उसको पब्लिश करना डिफेमेशन नहीं है। और यहाँ पर
इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि भाई अगर प्रोसीडिंग भले ही एक्स पार्टे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तथ्य इमटेरियल है, ये तथ्य तत्वहीन है। एक्स पार्टे का मतलब होता है एक पक्षीय, मतलब जैसे कि दो पार्टीज होती है ना, तो अगर एक पार्टी नहीं होती है प्रेजेंट प्रोसीडिंग के टाइम पर, तो तब वहाँ पर प्रोसीडिंग चली, देन फिर जजमेंट वगैरह आ गया, मतलब डिक्री वगैरह जैसे आती है सिविल कोर्ट में, ऐसा होता है डिक्री आती है, एक्स पार्टे डिक्री आती है, जब एक पार्टी नहीं होती है तो जो पार्टी आई है उसी के पक्ष में डिक्री आ जाती है। तो मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोसीडिंग चाहे एक्स पार्टे ही क्यों ना हो, अगर वो ट्रू है तो उसको अगर पब्लिश किया जाता है तो वो डिफेमेशन नहीं है। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, उस प्रोसीडिंग को हेल्ड करने के लिए कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखती थी, कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग की उन रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जा सकता है जिनके पब्लिकेशन पर कोर्ट ने प्रोहिबिशन लगाया हुआ हो। और हिंकलिन 1868 का एक केस था, इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि अगर ट्रायल का जो सब्जेक्ट मैटर जो है अगर वो ऑब्सीन होता है तो तब इनको भी पब्लिश नहीं किया जा सकता है। सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपने पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करते हुए कोई कंडक्ट करता है, और या फिर उसका कोई करैक्टर जो कि उसके कंडक्ट से अगर अपीयर होता है, तो उसके संबंध में अगर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करता है गुड फेथ में, तो वो यहाँ पर डिफेमेशन नहीं होगी, वो मानहानि नहीं होगी। जो यहाँ पर गुड फेथ में ओपिनियन फॉर्म करेगा वो सेकंड एक्सेप्शन का प्ली ले सकता है, डिफेंस ले सकता है। यहाँ पर गुड फेथ का मतलब वही है जो कि सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब वही है जो कि सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। इस एक्सेप्शन के पीछे का कारण यही है कि हर एक सिटीजन को अपने कंट्री के जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके जो भी कार्य वो करते हैं इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर पब्लिक फंक्शंस, जो भी पब्लिक फंक्शन वो परफॉर्म करते टाइम जो भी वो कंडक्ट वगैरह करते हैं उनको क्रिटिसाइज करने का हर एक सिटीजन का राइट होता है। बट यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो गुड फेथ में किया गया होना चाहिए, इसका जो प्रयोग है वो किसी तरह की इलविल से या फिर झूठी निंदा करने के लिए नहीं किया गया होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर डिफेंस नहीं लिया जा सकेगा एक्सेप्शन के तहत, सेकंड एक्सेप्शन के तहत प्ली नहीं किया जा सकेगा। थर्ड एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर कोई पब्लिक क्वेश्चन है और यहाँ पर किसी पर्सन का जो कंडक्ट है या फिर करैक्टर जो कि उसके कंडक्ट से अपीयर हुआ है, तो अगर वो उस पब्लिक क्वेश्चन से संबंधित है, तो तब अगर गुड फेथ में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस की जाती है उस व्यक्ति के कंडक्ट के बारे में या फिर करैक्टर के बारे में, तो तब वो डिफेमेशन नहीं होगी, ये कहा गया है थर्ड एक्सेप्शन में। भले ही वो ओपिनियन कितनी ही अपमानजनक क्यों ना हो, बट वो यहाँ पर डिफेमेशन नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक क्वेश्चन से संबंधित किसी पर्सन के कंडक्ट या फिर करैक्टर के संबंध में अगर गुड फेथ में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस की जाती है, तो वो डिफेमेशन नहीं है, भले ही वह कितनी ही अपमानजनक क्यों ना हो, वो डिफेमेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो ओपिनियन फॉर्म करेगा वो थर्ड एक्सेप्शन का क्या ले सकता है, प्ली ले सकता है, डिफेंस ले सकता है। फिफ्थ एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर क्या किया है, कोई सिविल या फिर क्रिमिनल केस डिसाइड किया है, तो उसके मैरिट के संबंध में, उसके गुणावगुण के संबंध में, या फिर इसमें से किसी भी केस के जो पर्सन है पार्टी के रूप में, मतलब पक्षकार के रूप में, या फिर विटनेस मतलब साक्षी के रूप में, या फिर एजेंट के रूप में, तो उनके कंडक्ट के संबंध में, या फिर ऐसे पर्सन के करैक्टर के संबंध में जो कि यहाँ पर जिस कंडक्ट की बात की गई है उस कंडक्ट से अपीयर हुआ है, ना कि उसके आगे, ठीक है, सिर्फ वहीं तक जहाँ तक कि उसके कंडक्ट से उसका जो करैक्टर क्या हुआ है अपीयर हुआ, यहाँ पर जो पार्टी हैं
केस की या फिर विटनेस जो है या फिर जो एजेंट है उनके संबंध में अगर गुड फेथ में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस की जाती है, चाहे वो जो कुछ भी क्यों ना हो, वो डिफेमेशन नहीं है। ये कहा गया है 5th एक्सेप्शन में। जैसे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि जो ए है वो ये कहता है कि भाई मुझे लगता है कि जो जेड का एविडेंस है वो उस ट्रायल में इतना कॉन्ट्रोडिक्टरी था कि भाई अवश्य ही जो जेड है वो क्या होना चाहिए, या तो स्टूपिड होना चाहिए या फिर डिसऑनेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ए का यहाँ पर ओपिनियन है, अगर वो गुड फेथ में किया है और वो जेड के करैक्टर से संबंधित है, उस करैक्टर से संबंधित है जो कि जेड के कंडक्ट से एज अ विटनेस उसके कंडक्ट से अपीयर हुआ है, उसके आगे नहीं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ जेड के कंडक्ट से जो उसका करैक्टर अपीयर हुआ है सिर्फ उतना ही, उतने के ही संबंध में जो ए का ये ओपिनियन उसने गुड फेथ में एक्सप्रेस किया है, ये इस एक्सेप्शन के तहत आता है और यहाँ पर ए इस एक्सेप्शन का प्ली ले सकता है। लेकिन अगर जो ए है वो ये कहता है कि आई डो नॉट बिलीव वॉट जेड असर्टेड एट दैट ट्रायल बिकॉज आई नो हिम टू बी अ मैन विदाउट वेरासिटी, मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ कि भाई जो भी असर्ट किया है उस ट्रायल में जेड ने उसके बारे में, बिकॉज जो जेड है वो एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई वेरासिटी नहीं है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, भाई उसके ऊपर मैं विश्वास ही नहीं कर सकता जो भी उसने असर्ट किया है ट्रायल में। तो यहाँ पर जो ए है वो अब यहाँ पर एक्सेप्शन के तहत नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो ओपिनियन है जो कि एक्सप्रेस किया है जेड्स के करैक्टर को, वो जेड के कंडक्ट से अपीयर नहीं हुई है। 6th एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कही गई है कि भाई जो ऑथर वगैरह होते हैं, जो एक्टर वगैरह होते हैं, मतलब जो साहित्यकार, चित्रकार, जो कलाकार वगैरह होते हैं, उनके करैक्टर या फिर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जिसको उन्होंने पब्लिक के जजमेंट के लिए सबमिट किया है या फिर व्यूवर्स के जजमेंट के लिए सबमिट किया है, तो उसके बारे में अगर गुड फेथ में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कोई व्यक्ति, तो तब उसकी जो ओपिनियन वो एक्सप्रेस कर रहा है वो डिफेमेशन नहीं होगी, वो 6th एक्सेप्शन के तहत आएगी, वो व्यक्ति यहाँ पर 6th एक्सेप्शन का प्ली ले सकता है। लाइक जैसे कि जो ऑथर वगैरह बुक वगैरह लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो उसको सबमिट करते हैं पब्लिक के जजमेंट के लिए। तो अब कोई व्यक्ति बुक को लेकर ओपिनियन दे रहा है कि भाई बुक अच्छी नहीं है, बुक के बारे में कुछ ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है गुड फेथ में कि भाई अच्छी बुक नहीं है। जैसे कि लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है अगर हम लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो आईपीसी में कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हम बोलते हैं कि भाई ये वाली बुक, इस राइटर की बुक पढ़ लो, इसकी बुक बढ़िया है, बी वाले की बुक बढ़िया नहीं है, ये अच्छी बुक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसकी डिफेमेशन कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज जो बुक है वो पब्लिश की गई है, सबमिट की गई है पब्लिक के जजमेंट के लिए, तो अब हम यहाँ पर जो ओपिनियन दे रहे हैं बुक के बारे में, वो ओपिनियन जो है हमारा जो गुड फेथ में हम दे रहे हैं, वो यहाँ पर सेक्शन 499 के तहत डिफेमेशन नहीं है बल्कि एक्सेप्शन है, हम सेफ हैं। तो लाइक जो रिव्यू वगैरह हम करते हैं, रिव्यू में हम पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, एकदम बकवास एप्लीकेशन है किसी एप्लीकेशन के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे बोल देते हैं कि बहुत बेकार है, ऐसे लिखते हैं, तो मतलब यहाँ पर हम डिफेमेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिव्यू दे रहे हैं जो कि पब्लिक के रिव्यू के लिए सबमिट की गई है चीज़, उसी को हम रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस एक्सेप्शन के तहत हैं, हम पे कोई डिफेमेशन का आरोप नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर कोई एक्टर वगैरह हैं जो कि फिल्म वगैरह करते हैं, लाइक उन्होंने कोई फिल्म वगैरह बनाई है और अब जो पब्लिक है वो उनकी फिल्म को रिव्यू करेगी, रेटिंग देगी, भाई बेकार मूवी है, अच्छी मूवी है, तो मतलब अब यहाँ पर कुछ व्यूवर अगर ये कहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं कहता एकदम बकवास मूवी है, उसको भाई अच्छी नहीं लगी मूवी, तो इसका मतलब अब वो गुड फेथ में ही तो बोल रहे थे उसको अच्छी नहीं लगी मूवी, तो यहाँ पर अब ये नहीं कहेंगे कि उसने डिफेमेशन कर दिया, वो 6th एक्सेप्शन के तहत आएगा, समझ में आया। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कि कोई परफॉर्मर है, वो स्टेज पर आता है परफॉर्म करने के लिए, तो अब वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, अब व्यूवर को पसंद नहीं आया तो व्यूवर ने बोल दिया कि परफॉर्मेंस एकदम बकवास है, तो यहाँ पर ये डिफेमेशन नहीं है, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस के संबंध में ही किया गया होना चाहिए ओपिनियन फॉर्म, ऐसा नहीं किसी और चीज़ के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, समझ में आया। तो ये चीज़ है 6th एक्सेप्शन। अब यहाँ पर 7th एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो ये कहता है
सेंसर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, यानी कि दूसरे पर लॉफुल अथॉरिटी रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गुड फेथ में अगर निंदा की जाती है तो वो भी इस एक्सेप्शन के तहत आती है। फॉर एग्जांपल, दूसरे बच्चों के सामने हमारे माँ बाप क्या कह देते हैं हमें कि भाई तुम तो बिल्कुल नालायक हो, ये देखो कितनी ऊँचाइयों पर पहुँच रहा है और तुम तो कुछ ही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पर इस एक्सेप्शन के तहत आती है, आप माँ बाप के ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं डाल सकते हो। लाइक जैसे कि होता है ऑफिस वगैरह, अगर कोई लेट पहुँचता है तो जो बॉस होता है वो खूब सुनाता है, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा निंदा वगैरह वो करता है, तो गुड फेथ में वो ऐसे कर रहा है एंड वो लॉफुल अथॉरिटी रख रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो यहाँ पर उसने जो किया है वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, वो सेवंथ एक्सेप्शन के तहत आएगा। एट एक्सेप्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई ऑथोराइज पर्सन है और उसके सामने गुड फेथ में एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, लाइक जो ए है वो गुड फेथ में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जेड के ऊपर आरोप लगाता है, तो ये चीज़ एट एक्सेप्शन के तहत आएगी। या फिर जो ए है वो गुड फेथ में जेड के कंडक्ट की, जो कि सर्वेंट है जेड के मास्टर को, क्या करता है, कंप्लेन करता है। या फिर अगर जो ए है वो गुड फेथ में जेड के कंडक्ट की, जो कि एक बच्चा है, जेड के फादर ए को क्या करता है, कंप्लेन करता है, तो तब ये चीज़ इस एक्सेप्शन के तहत आएगी। नाइन्थ एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर गुड फेथ में इम्प्यूटेशन लगाया जाता एक पर्सन के द्वारा उसके खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अदर्स के और लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ भी मानहानि नहीं होगी, डिफेमेशन नहीं होगी, वो आएगी नाइन्थ एक्सेप्शन के तहत। कहने का मतलब है कि भाई ये चीज़ डिफेमेशन नहीं है अगर इम्प्यूटेशन लगाया जाता है किसी के करैक्टर के ऊपर, वो भी प्रोवाइडेड, मतलब ये कंडीशन है कि भाई जो इम्प्यूटेशन लगाया गया है वो गुड फेथ में लगाया गया है उस व्यक्ति जिसने लगाया है ना, उसके खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अदर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर पब्लिक गुड के लिए वो अगर इम्प्यूटेशन लगाया गया है, तो वो नाइन्थ एक्सेप्शन के तहत आएगा। तो जो इम्प्यूटेशन लगाएगा वो नाइन्थ एक्सेप्शन का क्या ले सकता है, प्ली ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन दिया गया है कि जो ए है वो एक शॉपकीपर है और जो बी है वो ए का बिजनेस मैनेज करता है, तो जो ए है वो बी से ये कहता है कि भाई जेड को तब तक कुछ मत बेचना जब तक कि वो नगद पैसे ना दे दे, क्योंकि जेड के लिए मेरी कोई ओपिनियन नहीं है कि भाई वो ईमानदार है। तो यहाँ पर जो ए है वो नाइन्थ एक्सेप्शन के तहत फॉल होगा, वो नाइन्थ एक्सेप्शन का प्ली ले सकेगा, बिकॉज उसने जो इम्प्यूटेशन लगाया है ना जेड के ऊपर वो गुड फेथ में लगाया है और इसलिए लगाया है कि वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर गुड फेथ में जेड के ऊपर ए ने इम्प्यूटेशन लगाया है, तो जो ए है वो नाइन्थ एक्सेप्शन का प्ली ले सकता है, डिफेंस ले सकता है। टेंथ एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर क्या होता है कि गुड फेथ में एक पर्सन को दूसरे के अगेंस्ट कॉशन कन्वे किया जाता है, सावधान किया जाता है, तो भाई ये चीज़ डिफेमेशन नहीं है। बट इसके पीछे शर्त ये है कि भाई जो सावधान किया गया है, जो कॉशन किया गया है, उसके पीछे इंटेंशन होना चाहिए जिस पर्सन को कॉशन कन्वे किया गया है उसके अच्छे के लिए ऐसा किया गया हो, या फिर इस पर्सन में जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनके अच्छे के लिए ऐसा किया गया हो या फिर पब्लिक गुड के लिए ऐसा किया गया हो, तब यहाँ पर जो कॉशन कन्वे किया गया है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट गुड फेथ में, वो डिफेमेशन नहीं होगा, ये कहा गया है टेंथ एक्सेप्शन में। सेक्शन 505 पीसी में पनिशमेंट बताया गया है डिफेमेशन का, कहा यह गया है कि भाई जो कोई भी डिफेम करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अन्य को, तो वो व्यक्ति पनिशेबल होगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ, यानी कि भाई जो व्यक्ति डिफेम करेगा दूसरे व्यक्ति को वो उतनी अवधि के सरलतम कारावास के लिए पनिश हो सकेगा, जो कि 2 सालों तक का हो सकेगा, या फिर फाइन देने के लिए वो लायबल होगा या फिर दोनों के लिए वो लायबल होगा। अब यहाँ पर सेक्शन 501 एंड सेक्शन 502 में
एडिटर्स एंड अदर पर्सन्स की लाइबिलिटी बताई गई है, मतलब वो लोग जो कि क्या करते हैं डिफेमेटरी आर्टिकल को प्रिंट करते हैं, बेचते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी होगी, ये बताया गया है इन दोनों सेक्शन में। तो सबसे पहले सेक्शन 501 में ये कहा गया है कि भाई जो कोई क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं या फिर इनग्रेव करते हैं, प्रिंट मतलब मुद्रित, इनग्रेव मतलब उत्कीर्ण, कोई मैटर जिसके बारे में वो जानते हैं या फिर गुड रीजन टू बिलीव रखते हैं, मतलब बिलीव का सफिशियंट कॉज रखते हैं, गुड सफिशियंट कॉज रखते हैं कि भाई वो मैटर जो वो प्रिंट कर रहे हैं या फिर इनग्रेव कर रहे हैं, भाई वो मैटर क्या है, किसी पर्सन के बारे में वो डिफेमेटरी मैटर है, तो भाई वो यहाँ पर क्या होंगे, पनिशेबल होंगे विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 2 साल तक या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। अब यहाँ पर सेक्शन 501 के तहत तो भाई वो लोग पनिशेबल हो गए जो कि मतलब जानते हुए या फिर रीजन टू बिलीव रखते हुए डिफेमेटरी मैटर को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं या फिर इनग्रेव करते हैं, उत्कीर्ण करते हैं। तो भाई अब अगर जो कोई उस मैटर को क्या करता है, बेचेगा ये जानते हुए कि भाई वो डिफेमेटरी मैटर है, तो भाई वो यहाँ पर सेक्शन 502 के तहत पनिशेबल होगा। मतलब जो इनग्रेव करेगा, जो प्रिंट करेगा, वो सेक्शन 501 के तहत पनिशेबल होगा, और जो बेचेगा वो सेक्शन 502 ऑफ आईपीसी के तहत पनिशेबल होगा, और वो पनिशेबल होगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 2 साल तक या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। तो यहाँ पर डिफेमेशन से संबंधित आपके ये जो प्रोविजन दिए गए थे आईपीसी में सेक्शन 499 से लेकर 502 तक के प्रोविजन, ये आज इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 ऑफ आईपीसी, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 503 से लेकर सेक्शन 510 तक के प्रोविजन। हे गाइस, जिस तरीके से हमने आईपीसी का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है एंड जैसे ही वो एंड हो जाएगा, तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ईबुक तैयार कर रहे हैं इन सारे लेक्चर्स का जो कि हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं आईपीसी के। तो जैसे ही ईबुक तैयार हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी 15 अगस्त तक आपका आईपीसी का ईबुक तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को उसको परचेस करना है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको परचेस कर सकते हैं। उसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना होगा, 15 अगस्त 2020 के बाद मुझे आपको मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा। मेरा ईमेल एड्रेस है znt70600@gmail.com और ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। वहां पर आपने मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए, देन मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है और आपको आईपीसी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर का ईबुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईपीसी के ईबुक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ होगा, आपने 100 रुपीज़ मुझे पे करने होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एविडेंस का हमने ईबुक तैयार कर ही लिया है, पूरा हो चुका है। सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के जो नोट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर के, अगर आपको वो चाहिए एक ही ईबुक में, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। वो भी 100 रुपये में मिलेगा और उसके लिए आपने मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें एविडेंस का ईबुक चाहिए, तब मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आपने पे करना है एंड देन आपको ईबुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।